हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम भरवा भिंडी बनाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भिंडी लेंगे जिसे हमने पहले ही धोकर और अच्छे से पोंछ कर रख लिया था। अब इसके ऊपर और नीचे के हिस्से को काट लेंगे। इसको बीच में से दो भाग में काट लेंगे। अब इसको इस तरीके से बीच में से हाफ काट लेंगे। अब इसी तरीके से हम सारे भिंडियों को भी काट लेंगे। सारे भिंडियां कट चुकी है। अब इसमें भरवे के लिए मसालों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम छोटा सा बर्तन लेंगे और इसमें 15 से 20 मूंगफली के दाने डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे हम इसे बिना घी या तेल के भूनेंगे। देखिए मूंगफली का छिलका उतरने लगा है, इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली अभी गर्म है, ठंडी हो जाने पर हम इसके सारे छिलके उतार देंगे और फिर मिक्सी में पीस लेंगे। मूंगफली हल्की ठंडी हो चुकी है, अब इसके सारे छिलके उतार लेते हैं। अब इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। मूंगफली के दाने पिस चुके हैं। ध्यान रहे हम इसे ज्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, इसे इतना ही दरदरा पीसेंगे। अब इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच घिसा हुआ नारियल, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर मिला लेंगे। मसाला बन चुका है, अब हम सारी भिंडियों में मसाले की फिलिंग कर लेंगे। भिंडी को बीच में से खोलते हुए इस तरीके से इसमें मसाला भर लेंगे।
इसी तरीके से बाकी भिंडियों को भी तैयार कर लेंगे। भिंडी में फिलिंग हो चुकी है, अब कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। हम तेल में एक एक कर सारी भिंडियों को डालते जाएंगे। ध्यान रहे हम सारी भिंडियों को एक साथ नहीं डालेंगे। अब कढ़ाई को ढककर भिंडी को पकने देंगे और फिर 2 मिनट के बाद इसे पलटते हुए चला लेंगे। अब इसे ढककर दोबारा से पकने देंगे। जब भिंडी पक जाए तो गैस बंद कर देंगे। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे बारीक कटे हुए धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। भरवा भिंडी बनकर तैयार है। ये बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।